नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ईवन एक्टिवेट कैसे करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है जिन लोगों ने किसी भी कंपनी में नई नई ज्वाइनिंग करी है या जिनको 2-1 महीने हो गए हैं या जो कोई नई नौकरी करने की प्लान कर रहा हो, उन लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि अपना ईवन एक्टिवेट कैसे करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि गूगल को खोल लेना है। गूगल में यहाँ टाइप करना है मेंबर होम। मेंबर होम टाइप टाइप करोगे तो ये लिख के आ जाएगा मेंबर होम, ये सबसे पहले ही आएगा ऊपर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा क्योंकि नेट पर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में नेट कैसे चल रहा है। मेरे फ़ोन में नेट कैसे चल रहा है, ये ऑलमोस्ट खुल गया है। इसमें क्या है, सबसे नीचे जाओगे, नीचे क्या थोड़ा इसको जूम कर लो। जूम करने के बाद यहाँ लिखा है एक्टिवेट यूएन, एक्टिव इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जैसे ये खुलेगा, ये खुल गया है। इसमें देखो मेन मेन चीजें क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूएन नंबर है, इस यूएन नंबर को आप अपने एचआर से या अपने ठेकेदार से ले सकते हो। आधार नंबर जो आपका आधार नंबर है, नेम आपका जो आधार नंबर में नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आधार नंबर में डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर में रजिस्टर्ड हो, और वही मोबाइल नंबर आप जब भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करोगे, ठीक है, तो ज्वाइनिंग करने के टाइम अपने एचआर को या अपने कॉन्ट्रैक्टर को वही वाला नंबर देना है, जिससे कि जब भी आप यूएन एक्टिवेट करोगे तो आप एक्टिवेट जब भी यहाँ यूएन एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर वही नंबर पड़ेगा। वो जब नंबर डालोगे तो यहाँ कैप्चा डालने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको पूरा बताता हूँ जिस प्रकार से मैं यहाँ पे यूएन नंबर डालता हूँ। मान लो कोई सा भी डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बारह 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 बारह, मतलब कोई सा भी यूएन नंबर होगा वो डाल देना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है जिस प्रकार से, ठीक है, ये आधार नंबर पड़ गया। यहाँ नाम मतलब कोई सा भी नेम डाल देना है, जैसे कि मान लो एक कॉमन नाम डालता हूँ राहुल, राहुल कुमार, मैंने राहुल कुमार डाल दिया। मान लो डेट ऑफ बर्थ आपकी है, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2001 है, तो यहाँ पे जाना है 7 और 1, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पड़ गई, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर जो भी है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपका मोबाइल नंबर है 95 48 69 84 12 03, ठीक है। जैसे ये मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे, आप डालोगे डी एक्स जो इसका कैप्चा है उसको आपको डालना है, ये 6 M डालना है कैपिटल में, फिर हो गया P। जैसे ही आप ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये लिखा हुआ है मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर 1 टाइम पिन OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ, और मैं ईवन को सक्रिय करने के उद्देश्य से आधार के साथ उपलब्ध अपने मूल ब्यौरे को साझा करने के लिए सहमत हूँ। मतलब जो भी आप इसमें मोबाइल नंबर डालोगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP जब आएगा, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे गेट ऑथराइजेशन, जैसे मान लीजिए इस पर आप क्लिक कर देते हैं, थोड़ा ये प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो एक OTP आ जाता है। OTP आने के बाद आपको OTP भरना होता है, वो आपको अगली स्लाइड में हम आपको बताते हैं। OTP को एंटर कर देना है। OTP एंटर डालने के बाद यहाँ आ जाएगा वैलिड OTP एंड एक्टिवेट इवेंट। जैसे यहाँ क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग करने में, और लोड होने के बाद आपका यूएन एक्टिवेट हो जाएगा।
थोड़ा ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ईपीएफओ की वेबसाइट हमेशा उस पर लोड रहता है, कोई सा भी दिन हो, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वर्किंग का दिन हो, इस पर ज़्यादातर लोड ही रहता है। अब ये लिख के आ गया है, योर यूएन हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली एंड द डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। काइंडली चेक योर डिफॉल्ट पासवर्ड यूजिंग द चेंज पासवर्ड फंक्शनली अपॉन सक्सेसफुली लॉगिन। तो दोस्तों, आसानी से अपने फ़ोन से आप ईएन को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब आपका ईएन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद आपका यूएन के साथ साथ आपका पासवर्ड भी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर चला जाएगा। और एक बात इसमें याद रखनी है कि यूएन एक्टिवेट आपका जब ही होगा जब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जब आपने ज्वाइनिंग के टाइम किसी भी कंपनी में आपने ज्वाइनिंग करी हो, डायरेक्ट कंपनी रोल पर ज्वाइनिंग करी हो या ठेकेदार के थ्रू ज्वाइनिंग करी हो, तो आपने जो फ़ोन नंबर दिया है वही फ़ोन नंबर आपको देना है। इसमें आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद जब ये सारा प्रोसेस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में थोड़ा सा नेट की वजह से, ईपीएफओ की वेबसाइट की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि उपयोगी जानकारी आपको, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आप पे, आप उस जानकारी को पा सकें, ये वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।